तो दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी अक्षय कुमार हर साल अपने 3 या 4 फिल्में रिलीज करते हैं। 2019 में भी उन्होंने 4 सुपरहिट फिल्में दी थी, केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज़। लेकिन दोस्तों, 2020 में अक्षय कुमार की सिर्फ एक फिल्म रिलीज हुई थी, लक्ष्मी, जिस फिल्म को भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया था। लेकिन अक्षय कुमार के जितने भी फैंस हैं, वो अक्षय कुमार की फिल्मों को बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं और सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि अक्षय कुमार की फिल्में हमें कब से बड़े पर्दे पर फिर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, 2021 आ चुका है और 2021 में अक्षय कुमार की एक के बाद एक लगातार 4 फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय कुमार की 2021 में रिलीज होने वाली फिल्मों की रिलीज डेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, 2021 में अक्षय कुमार की सबसे पहली फिल्म रिलीज होगी सूर्यवंशी। सूर्यवंशी जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ हमें कैटरीना कैफ भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सूर्यवंशी में सिंघम यानी कि अजय देवगन और सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह का कैमियो भी आएगा। अब आपको बता दें दोस्तों, सूर्यवंशी फिल्म पिछले साल यानी कि 2020 को 24 मार्च में रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ गई और अब सूर्यवंशी फिल्म को इस साल यानी कि 2021 में रिलीज किया जाना है। और आपको बता दें दोस्तों, सूर्यवंशी फिल्म इस साल रिलीज होगी 2 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, लगभग एक महीने बाद सूर्यवंशी फिल्म हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी और पूरी उम्मीद है कि सूर्यवंशी फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ देने वाली है। वही दोस्तों, सूर्यवंशी के बाद इस साल अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म रिलीज होगी जिसका नाम है बेल बॉटम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बेल बॉटम जो कि एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, फिल्म को डायरेक्ट किया है रंजीत एम तिवारी ने और इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ हमें 3 हीरोइन देखने को मिलेगी जिसमें है वाणी कपूर, हुमा कुरैसी और लारा दत्ता। बता दें दोस्तों, बेल बॉटम फिल्म पहले इसी साल अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ चुकी है और अब बेल बॉटम फिल्म को रिलीज किया जाना है 28 मई को। जी हाँ दोस्तों, 28 मई को बेल बॉटम फिल्म बड़े पर्दे पर यानी कि सिनेमाघर में रिलीज होगी। इससे पहले कुछ अफवाहें यूं आई थी कि बेल बॉटम फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन दोस्तों वो खबर पूरी तरह से झूठी निकली और अक्षय कुमार की बेल बॉटम फिल्म सिर्फ और सिर्फ सिनेमाघरों में 28 मई को रिलीज होगी। और बेल बॉटम से भी उम्मीद है कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 200 करोड़ की कमाई जरूर करेगी। वही दोस्तों, इसके बाद 2021 में अक्षय कुमार की तीसरी फिल्म रिलीज होगी जिसका नाम है अतरंगी रे। अतरंगी रे जिसे डायरेक्ट किया है आनंद एल राय ने और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है। आपको बता दो दोस्तों, अतरंगी रे में अक्षय कुमार के साथ हमें देखने को मिलेंगे तमिल सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार धनुष। साथ ही साथ इस फिल्म में सारा अली खान भी नजर आएगी। बताना चाहूंगा दोस्तों, अतरंगी रे पहले इसी साल फरवरी के महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस फिल्म की भी रिलीज डेट आगे बढ़ चुकी है और दोस्तों अब अतरंगी रे फिल्म की नई रिलीज डेट है 6 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, 6 अगस्त 2021 को अतरंगी रे फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाना है। आपको बता दूं दोस्तों, अतरंगी रे फिल्म हिंदी के अलावा तमिल में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि इस फिल्म में तमिल सुपरस्टार धनुष भी है और धनुष का मार्केट तमिल है, जिसकी वजह से इस फिल्म को हिंदी और तमिल में 6 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाना है। और इस फिल्म से भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि यह फिल्म हिंदी मार्केट में जितनी कमाई करेगी उतना ही शानदार कलेक्शन इस फिल्म का तमिल वर्जन में भी आने वाला है। अब दोस्तों, साल के अंत में अक्षय कुमार की चौथी फिल्म रिलीज होगी जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ दोस्तों, यूं कह सकते हैं कि 2021 की एक बिगेस्ट फिल्म पृथ्वीराज चौहान, जिसे डायरेक्ट किया है चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने और इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ हमें देखने को मिलेगी मानुषी छिल्लर। साथ ही साथ इस फिल्म में संजय दत्त और सोनू सूद भी हमें अहम भूमि में नजर आएंगे। अब दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान फिल्म पिछले साल यानी कि 2020 में दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन लास्ट ईयर सिनेमाघर बंद थे जिसके चलते इस फिल्म के रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान इस साल रिलीज होगी और इस साल भी इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो भी है दिवाली। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान फिल्म 5 नवंबर 2021 को दिवाली के वीकेंड
पर रिलीज होगी। और दोस्तों यकीन मानिए, अक्षय कुमार के करियर में पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने वाली है, क्योंकि फिल्म का बजट भी काफ़ी ज़्यादा है और फिल्म को बड़े ही ग्रैंड लेवल पर बनाया है। तो उम्मीद है कि पृथ्वीराज चौहान अक्षय कुमार के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस साल अक्षय कुमार की 4 फिल्में रिलीज होगी, सूर्यवंशी, बेल बॉटम, अतरंगी रे और पृथ्वीराज चौहान। अब देखना है दोस्तों इन चारों फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई कौन सी फिल्म करती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इन चारों फिल्मों में सबसे ज्यादा बड़ी हिट कौन सी फिल्म होगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।